बुधवार को एसडीआरएफ के स्वास्थ्य कर्मियों ने संविदा में नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य कर्मियों को 3 महीने के लिए रखा गया था। अब अवधि पूरी होने पर इन्हें सेवामुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया, जिसके खिलाफ स्वास्थ्य कर्मचारी सड़क पर उतरे। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में समझिए। सड़क पर उतरे कोरोना योद्धा, शासन प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, संविदा पर नियुक्ति की मांग, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। संविदा में नियुक्ति की मांग को लेकर स्वास्थ्यकर्मी सड़क पर उतर आए हैं। तस्वीरें राजनांदगांव की हैं, जहां स्वास्थ्यकर्मियों ने जोगी कांग्रेस के बैनर तले प्रदर्शन किया। स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट पहनकर कलेक्ट्रेट जा पहुंचे और शासन प्रशासन से एचएमएच के तहत उनकी सेवाओं को जारी रखने की मांग की। हम लोगों ने उस वक्त काम किया जब सब कोई अपने घर में बैठ गए थे, जिसके घर परिवार वाले भी कोरोना मरीज के साथ नहीं रहते थे, उसके साथ हम लोग रहकर 11 महीना लगातार काम किए हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी खत्म हुआ, वैसे ही हम लोगों को सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया गया। तो हम लोग बस सरकार से ये चाहते हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में हम लोगों ने उनका साथ दिया है, तो हमें किसी भी संविदा पोस्ट में मर्ज कर दिया जाए। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुंकार भरते नजर आए। खास बात रही कि प्रदर्शनकारी स्वास्थ्यकर्मियों को जोगी कांग्रेस का भी भरपूर साथ मिला। जोगी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए और स्वास्थ्यकर्मियों की मांगों को शासन प्रशासन के सामने रखा। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपने प्रकोप में ले लिया था। प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति थी और लॉकडाउन लगाया भी गया था। उस समय लोग घर से बाहर नहीं निकले थे, लोग घबराए हुए थे, लेकिन उस समय यही एसडीआरएफ के लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के हम लोग की जान बचाई, अपने घर परिवार से दूर भी है। आज इनको एनएचएम के अंतर्गत संविदा, रेगुलर संविदा के तहत इनको नियुक्ति की जानी थी, लेकिन इनकी नियुक्ति करने बजाय शासन द्वारा इनको भगाया जा रहा है, इनको निकाला जा रहा है, जिसका हम विरोध करने यहाँ पे आए हैं। प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्यकर्मी और जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। स्वास्थ्यकर्मी पैदल नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी सेवाएं बढ़ाने की मांग की। कोरोना पीरियड में जिन जो है नर्सिंग स्टाफ के अस्थायी रूप से 3 महीने के लिए नियुक्ति की गई थी, उसके संबंध में क्योंकि 3 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी थी, तो उनको फर्दर जो है एक्सटेंशन देने के लिए सीएमएचओ साहब ने पत्र शासन को भेजा है, क्योंकि अभी वहाँ से कोई उनको प्राप्त नहीं हुआ है निर्देश, इसलिए जो है इनको अभी एक्सटेंशन नहीं मिला है। उसी के संबंध में ये लोग रेगुलर संविदा में नियुक्ति के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है इन लोगों। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्यकर्मियों को 3 महीने के लिए रखा गया था, जिसकी अवधि अब समाप्त हो गई है, लिहाजा इन्हें सेवा मुक्त करने का फरमान जारी कर दिया गया है, जिसके खिलाफ स्वास्थ्यकर्मी अब सड़क पर उतर आए हैं। देखना होगा कि स्वास्थ्यकर्मियों की इन मांगों पर प्रशासन का क्या रुख रहता है। राजनांदगांव से अखिलेश खोबरागढ़े के साथ टीम न्यूज स्टेट। राजनांदगांव में संविदा में नियुक्ति की मांग को लेकर स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रदर्शन किया। दर्जनों स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी सेवाएं जारी रखने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारी स्वास्थ्यकर्मियों को जोगी कांग्रेस का भी भरपूर साथ मिला। जोगी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए और स्वास्थ्यकर्मियों की आवाज बुलंद की। गौरतलब है कि स्वास्थ्यकर्मियों के कोरोना काल में एसडीआरएफ के तहत 3 महीने के लिए भर्ती की गई थी, अब इनकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया है, जिसको लेकर स्वास्थ्यकर्मी प्रदर्शन कर संविदा में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। वहीं अंतागढ़ के पदकाल बेड़ा के ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के रवैये से परेशान होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 2017 में रावघाट प्रोजेक्ट के तहत रेल निर्माण में जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, उन्हें अब तक ना तो उसका पूरा मुआवजा दिया गया और ना ही नौकरी। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी नहीं दिया जा रहा। दोहरी समस्या से परेशान ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये रेलवे ट्रैक निर्माण का काम रोक देंगे और अंतागढ़ नारायणपुर मार्ग पर चक्का जाम करेंगे। रेल लाइन से कई बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
कोई मांग पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा कोशिश करेंगे, हो सके तो काम भी रोक सकते हैं। सरकार की योजना गंत हमें पूरी चाहिए कि हमारे बच्चे को डीएनए में स्कूल में भी नहीं ले रहा है, और प्लस इंग्लिश मीडियम वगैरह जो रेलवे प्रभावित में आता है उसमें या रावघाट परियोजना में गोदग्राम में भी नहीं ले रही है सरकार। आगे हम लोग क्या, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करने पर हम लोग हड़ताल बैठेंगे या रेलवे प्रभावित रेलवे लाइन का काम रोकने का हमारा निश्चित लक्ष्य है।